भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने बुधवार को टोटो चालकों से 3-4 जगह टोल टैक्स देने को लेकर नगर निगम में ज्ञापन सौंप कर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि गिरिडीह नगर निगम को चलाने वाले नियम कानून ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। कहा कि नगर निगम बोर्ड के निर्णय के बिना ही रांची की कंपनी ने टोल टैक्स वसूली शुरू कर दिया। अब तक जो बैठक हो रही थी उसमें सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही थी। हालांकि लगभग 20 वार्ड पार्षद ने निगम के कार्यशैली पर सवाल उठाया था। लगभग 20 पार्षद ने टोल वसूली टेंडर के खिलाफ लिखित आवेदन दिया था, किंतु बड़े बड़े आका ने मोर्चा संभालकर सबको भारी के लिए बिना बोर्ड के निर्णय के लिए भी वोटिंग सिस्टम से जो चाहता था वो करा लिया। निगम के इस कार्यशैली पर आम जनता भी सवाल उठा रही है। कहा कि माले ऐसे कार्यों का विरोध करेगा। राजेश सिन्हा ने कहा कि टोटो चालकों से 10 रुपए की जगह 15 रुपए लिए जा रहे टैक्स का मामला थमा भी नहीं था कि अब टोटो चालकों से बस स्टैंड, हुट्टी बाजार, रेलवे स्टेशन के अलावा रास्ते में कई जगह टोल टैक्स का टिकट दिया जा रहा है। कहा कि कुछ ही दिन में ईद त्यौहार खत्म होते ही जोरदार तरीके से आंदोलन किया जाएगा। अभी हाल के दिनों में पता होगा कि टोल टैक्स वसूली का जो कार्यादेश था उसको बोर्ड के निर्णय के पूर्व ही जारी कर दिया गया था, और यह विवाद जब अखबारों में आया, जब मीडिया में आया, सोशल मीडिया में आया, प्रिंट मीडिया में आया, तो आनन बानन में जो रांची की टीम थी, एजेंसी थी, नेटविंड, उन्होंने फिर यहाँ पे अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब यह बोर्ड का जो निर्णय होना था उस निर्णय से पहले ही अगर किसी को दे दिया जा रहा है तो ये काफ़ी विवाद वाला मामला है। अब भाकपा माले भी इस पर स्टडी करके इस पर बात करेंगे। दूसरा कि और जो टोल टैक्स का है मामला, जो ऑटो और टोटे वाली बात है, उसमें क्या था कि पहले जो 10 रुपया लिया जा रहा था वो अब 15 रुपया लिया जा रहा था। अब यह विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ कि अब एक नया चीज़ आया कि आप बस स्टैंड जाएंगे वहाँ भी आपको देना पड़ेगा, आपको रास्ते में घूम रहे हैं अगर टोटो ऑटो वाले वहाँ भी देना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन जाएंगे वहाँ भी देना पड़ेगा, हुट्टी बाजार जाएंगे वहाँ भी देना पड़ेगा। तो ये नया नियम जो है इसके लिए आज हम लोग लिखित आवेदन दिए हैं कि क्या बिना रसीद में नंबर के क्या चारों तरफ जो टोटो वाले एक बार 15 रुपया देंगे, 10 रुपया देंगे और वो 3 जगह जाएंगे किसी यात्री को उतारने के लिए, तो क्या वहाँ भी देंगे? तो ये पहले नियम और कानून को जानना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इसकी लड़ाई जो है लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या होता है। फिर एक संगठन तैयार हो रहा है, संगठन के जरिए हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे लोकतांत्रिक।